ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना हुए पीएम मोदी दो दिन सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बुलावे पर जा रहे हैं सिंगापुर। पीएम मोदी के ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से द्विपक्षीय मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई आपसी चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्हा ने किया वेलकम। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ब्रुनेई यात्रा। भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बड़ों से लिया आशीर्वाद, बच्चों से मिलाया हाथ। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन पहुंचे पीएम मोदी। ब्रुनेई के लोगों ने पीएम मोदी को किया इस्तकबाल। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार कर कहा, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के साथ सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा हर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था बयान, कहा था 2027 में हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम। सीएम योगी ने यूपी एसएससी के 1334 जूनियर इंजीनियर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक 51 उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी की बैठक में लगी मुहर। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहली सूची में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम होने से इनकार कर कहा, गुरुवार तक इनके नाम पर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिली पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी साथ में रहे मौजूद। दीपक बाबरिया के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट पर उम्मीदवारों के संबंध में आए हैं प्रस्ताव। फिलहाल खास सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर। सीएम नायब सिंह सैनी का तंज, भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। 50 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, लोगों का बीजेपी को मिल रहा समर्थन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान, पीतल की लौंग मिलने पर कई लोग खुद को सराफा समझते हैं। वसुंधरा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना, बोली बुलंदियों पर पहुंचने पर भी पांव जमीन पर रहने चाहिए। 6 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर कहा, पुराने गठबंधन में बीजेपी ने तब से लेकर अब तक सब कुछ तितर बितर कर दिया है। बीजेपी किसान गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ, बीजेपी ने दिया धोखा। कोल्हापुर में शरद पवार ने मोदी सरकार की किसान नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा, जो देश दुनिया के 18 देशों को गेहूं निर्यात करते हैं उसे अब गेहूं आयात करने की नौबत आई। शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा आज सरकार में बैठे लोग शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, राहुल गांधी को कर्नाटक में करनी चाहिए जातीय जनगणना, आंकड़ों को करना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार, अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई, एलजी अथॉरिटी बोर्ड और आयोगों का कर सकेंगे गठन, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 को कोर्ट ने 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा, वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित किया, मेडिकल काउंसिल से भी किया गया सस्पेंड। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक कैंडल प्रोटेस्ट का किया जाएगा आह्वान, घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के खिलाफ शाम 4 बजे बुलाया गया प्रदर्शन। ममता बनर्जी तानाशाहों की तरह चहला रही है सरकार, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान, ममता सरकार ने सही फैसला किया, अपराधियों में कानून का खौफ जरूरी।